गोरखपुर जिले के 51 अस्पतालों के 84 बूथों पर सोमवार को सुबह 10 बजे से कोविड टीकाकरण के लिए दूसरा पूर्वाभ्यास शुरू हुआ। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन से संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, कैसी है आपकी तैयारी और कितने केंद्रों पर ड्राई रन चल रहा है? इस पर जिलाधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि सभी तैयारियां पूरी हैं। जिले के 51 अस्पतालों के 84 केंद्रों पर ड्राई रन हो रहा है। पहले की कमियों को दूर किया जाएगा। अफवाह से बचने के लिए मीडिया का सहारा लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि शिकायत की कोई गुंजाइश ना रहे। इस पर डीएम के विजेंद्र पांडियन ने जवाब देते हुए कहा कि कोई कमी नहीं रहेगी। संवाद के दौरान डीएम के विजेंद्र पांडियन ने सीएम योगी को टीकाकरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, जिले में पहले चरण में 23,000 हेल्थ वर्करों को टीका लगाया जाएगा, दूसरे चरण में 12 लाख व तीसरे चरण में 20 लाख लोगों को टीका लगेगा। गौरतलब है कि जिले के हर बूथ पर वैक्सीनेटर और उनके सहयोगियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर केंद्र पर 2-2 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। बूथों की निगरानी के लिए 10 नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण की शुरुआत होगी। इससे पहले तैयारियों को जांचने के लिए दूसरे ड्राई रन का आयोजन किया गया था। जिले में पहला ड्राई रन 5 जनवरी को 6 अस्पतालों के 12 बूथों पर आयोजित हुआ था, लेकिन इस दौरान कई खामियां मिली थी। यही वजह है कि इस बार 15-15 स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया था। इन केंद्रों पर 2-2 वैक्सीनेटर तैनात है। सत्यापन के लिए अलग से एक कर्मी की ड्यूटी लगी है। ड्राई रन के दौरान प्रमुख चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव सहित अस्पताल के अन्य स्टाफ और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीकाकरण लगवाने पहुंची महिला सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा। इनको दिखाएं, ये उसका वेरिफिकेशन देख करके उनको वेटिंग एरिया में था। यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा है, ये शिफ्ट होंगी वैक्सीनेशन के लिए। वेरीफाई करते आप वैक्सीनेशन क्या नाम है आपका? उसे कंफर्म कर लिया, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है? नहीं। बैठ जाइए आप। आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी में दिक्कत हो जाए तो आप हमारा नंबर ले लीजिएगा। ये SIC साहब का नंबर है, वो आपको दे दिया जाएगा और आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। और इसलिए सेकेंड डोज 28 दिन के बाद लगेगा, जो कि आपको लगवाना है। और चौथा जो है, आपको इतना लगवाने के बाद, COVID-19 टीका लगवाने के बाद भी आपको जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है, और मास्क पहनना है, और हैंड वॉश करना है। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं वो सब फॉलो करना है। जिसमें कम से कम एम्बुलेंस डॉक्टर रहेंगे, स्टाफ नर्स रहेंगे, और उसके साथ और कोई भी मेडिकल वॉलंटियर आ सकता है। उनकी पर्स की मॉनिटरिंग होगी। 15-15 मिनट कोई बात होती है जिनसे पूछा जाएगा, और ये कोई परेशानी होती है तो बताएंगे। यहाँ से आधा घंटा हो जाने के बाद यदि अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, फिर से दोबारा इंस्ट्रक्शंस देके कि आपको घर पर जाने पर भी कोई परेशानी होती है तो जिले के नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय से संपर्क कर सकती हैं। और इनका जो मोबाइल नंबर हो रहेगा, यहाँ पर हमारी जो टीम रहेगी, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लगाई जाएगी, पर डे इसको फॉलो अप कर देंगे।
जिसके बाद यदि किसी मरीज को कोई भी अनटोल्ड ऐसा रिएक्शन होता है तो हमारे लिए वहाँ पर स्पेशलिस्ट रहेंगे वो मैनेज करेंगे। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये वहाँ से वो तो मेला के लिए था खरीदा था वो तो पहले का पड़ा होता है प्रोटोटाइप नहीं है कम से कम इसी के ही तो बना के लगा दे। मोबाइल पर देखेगा आपको कॉल कॉल देखने के बाद उसको अलाउ कर देगा वेटिंग एरिया में बैठे। वेटिंग एरिया में मार्कर लगे हुए हैं कहाँ नहीं बैठना कहाँ बैठना है और एक गाइड भी करता है। तो मैडम केवल टिक लगा करके अंदर एंट्री कर लेती तो फिर बैठा है आने वाले की वेटिंग एरिया यहाँ से वेरिफिकेशन में क्या क्या करते हैं। अच्छा वेरिफिक हो रहा है आपके साथ एड्रेस सब चीज़ देख रही है और उसमें पूरे लिस्ट में सब कुछ रहेगा। आप एक काम करिए जो इस पे आइडेंटिटी कार्ड क्या क्या लेके आना है वो पूछिए। बार बार सर के सामने फिर से दौड़ाइए। जो थर्ड चीज़ है वो आपको 28 दिन के ये वैक्सीनेशन दोबारा लगवाना है और फोर्थ चीज़ ये है कि आपको वैक्सीनेशन लगने के बाद भी आपको जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है, मास्क पहनना है और अपने हैंड सैनिटाइज करना है, हैंड वॉश करना है। आप जो ये जो आप इंसुलिन जो भी वैक्सीनेट करते हैं कितने डोसेज करना है हमें? फिर तो आपका इंसुलिन वाले सिरिंजी तो कम आएगा। वैसे एक केस में कितने वायल रख सकते हैं सर? 16 से 20 वायल बोला गया था। 20 वायल 16 से 20 रखेंगे। 100 डोसेज लगता है पर डे? पर डे 100 लगेगा तो 20% मैक्सिमम आ सकता है। मैक्सिमम हम लोग 10 मैक्सिमम के नाम पर यहां क्या 100 ही रखेंगे? 100 ही साइड है बाकी तो फिर वही कोल्ड स्टोर में ही रहे। यहाँ केवल 100 आएगा एक साइड। हर सेशन सर दो रख लीजिए सर। क्या अरे इंटरनल भी हम लोग एक्सीटर रखते हैं। हां वही क्या 100 से ऊपर नहीं सर लगा देंगे। मानक क्या सर समय बता ये 100 पे रखेंगे। और फेस टू फेस थ्री में जरूर चैलेंज रहेगा वो तो मान लो। फेस वन में कम से कम कंफर्ट वो तो रहेंगे। एक ही आदमी सुबह से लेके शाम तक दो लोग का लगाना होगा। फेस टू थ्री में भी 100 करना पड़ेगा तो सर 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 मैं साइड पे हूं सर अभी सर वैक्सीनेशन साइट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है सर। एक वॉक थ्रू हो जाएगा सर मैं लेके चल लेते हैं सर। अब लेके चलिए क्या है
यहाँ जो भी लाभार्थी आते हैं उनकी पूरी सर्विस है, यहाँ उनका मिलान किया जाता है, सबसे पहले सर्विस है और उनका पहचान पत्र देखा जा रहा है। ये सर लाभार्थी है सर, ये वेरीफायर है और लिस्ट यहाँ भी है, उनके अपने ड्यू लिस्ट से सर लगता है। मास्क लगाना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है और हैंड सैनिटाइजर करना है। आप 30 मिनट के लिए यहाँ रेस्ट करते हैं, जाइए। दीदी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आ गए हैं और अब जो 5 जिले हमारे कनेक्टेड हैं आज के ड्राई रन में उनसे संवाद करेंगे। सर आज हमारे साथ लखनऊ तो दिखवाए क्या कर रहे हैं, डीएम गोरखपुर है सर, नमस्कार सर, मैं जिलाधिकारी गोरखपुर, नमस्कार सर, जिलाधिकारी गोरखपुर बोल रहा हूँ सर। आज सेकेंड ड्राई रन में 84 जगह गोरखपुर का हो रहा है सर। आज सर हम लोग बैठे हैं सर जिला अस्पताल में, मैं दिखाना चाहता हूँ सर इसका फ्लो कैसे है और कैसे होगा सर। कृपया शुरू नहीं, गोरखपुर में आप लोगों ने क्या कार्य योजना तैयार की है इसके लिए? सर टोटल 23,000 लाभार्थी होंगे सर, जो फर्स्ट फेज का हमारा है। 84 सेंटर में हम लोग आज ड्राई रन कर रहे हैं सर। इसके कारण सर हम लोग 16 तारीख के सर 20 जगह हम लोग का निर्देश मिला है सर, 20 जगह हम लोग चालू कराने के लिए और तकरीबन पर डे 2,000 के हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं सर। 16 तारीख से 2,000 लोग का हम कवर कर सकते हैं। फर्स्ट फेज में यानी लाभार्थी ज़्यादातर शहर का है सर, इसलिए शहर में ही रह रहे हैं सर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 12 सेंटर में हमारा वैक्सीनेशन सेंटर रहेगा सर, 2 सेंटर हमारा महिला हॉस्पिटल में, 2 सेंटर पुरुष हॉस्पिटल में और सर यहाँ अर्बन पीएससी 2-3 जगह ले रहे हैं सर। टोटल 20 जगह फर्स्ट फेज का 16 तारीख का गोरखपुर का शहर गोरखपुर जनपद में मुझे एक बात बताइए कि कुल कितने सेंटर हैं? 84 सर, 84 सर, 84। और कुल कितने बूथ होंगे? सर ये बूथ सर उस पर 60 है सर, 60 सर, 60। ये जो है गोरखपुर में कोल्ड चेन के कितने स्टोरेज बनाए गए हैं? 24 कोल्ड स्टोरेज बना हुआ सर, 24 सर। आपके पास जो है कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए व्हीकल वगैरह वगैरह की सारी सुविधाएं हो चुकी हैं? सभी उपलब्ध है सर, सब प्लान कर चुके हैं सर हम लोग, सिक्योरिटी का भी। और स्टेज में कुल कितने लोगों को वैक्सीन देना है? 22,000 सर, 22,000 हमारे हेल्थ वर्कर्स है सर। फर्स्ट फेज में 22,000, सेकेंड फेज में 12 लाख है सर, और थर्ड फेज में तो करीब 20 लाख होंगे सर हमारा। अकेले गोरखपुर में सर, ताकि सर थर्ड फेज में हम लोग उसको कवर करना है सर, जो उसमें कोमॉर्बिड वाले और 50 साल के ऊपर वाले भी सर, हम जो हमारा पास डेटा में से उसी के आधार पर बता रहा हूँ सर। टोटल गोरखपुर जनपद का पूरी तैयारी सर, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है ना आप लोगों सर? सर कोई समस्या नहीं सर, मैं आपको दिखाने चाहता हूँ सर, यहाँ जो पीछे डेमो भी है सर, 1 मिनट आप दे देंगे पूरा वॉक थ्रू हो जाएगा सर, कैसे हम प्लानिंग किए हैं सर, आपको मार्गदर्शन भी चाहिए सर उसके सर। हाँ तो बताइए ना सर। फिर आप आगे पढ़ने के साथ ही यहाँ पर एंट्री पॉइंट है,
एंट्री पॉइंट पे एक हमारे होम गार्ड कार्यगार रहेगी, वह पढ़ी लिखी रहेगी और उसके पास एक ड्यूलिस्ट रहेगी, वह ड्यूलिस्ट पे वह जो लाभार्थी आएगा उसकी काल गई रहेगी, उसको चेक करेगी और चेक करने के बाद अपने ड्यूलिस्ट से मिलान करेगी। ड्यूलिस्ट से मिलान करने के बाद वह अंदर साइनेज लगे हुए हैं और सैनिटाइज होके वह वेटिंग एरिया में आएगी। वेटिंग एरिया में हर जगह जो साइन से दिखाया गया है कहाँ भी हमारी वेटिंग एरिया है और लाभार्थी दूसरे टेबल पे आएगा जहाँ पर वैक्सीनेशन की जगह होगी। वैक्सीनेशन पे हमारे स्टाफ रहेगा, उसको पूरी कुछ हिदायत देगा, पहले सैनिटाइज करेगा। सैनिटाइज करने के बाद प्रोसेसम कर रहे हैं उसकी। मैडम और आपको कोई बीमारी तो नहीं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, नहीं है, प्रेगनेंट तो नहीं है? ठीक है, तो आपको वैक्सीन देने के बाद और फिर इंस्ट्रक्शन देगा वो बताइए मैडम। वैक्सीन के बाद वाला बता दें में बहुत सारी चीज हम लोग क्लियर कर दिए सर। बहुत सारे अफवाहें और गलत फहमियां का भी दूर कर रहे हैं सर, मीडिया के बुला बुला करके। बहुत लोग इच्छुक है सर लगाने के लिए, इंतजार कर रहे हैं सर। शांतिपुर में रहेगा, अच्छा रहेगा। कैटेगरी तय की गई है और जो क्रम तय किया गया है उसी क्रम के अनुसार ही वैक्सीन लगने चाहिए सर, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश कहीं से न रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना सर। निश्चिंत रहे सर, मैं लखनऊ सॉरी वाराणसी से कोई है उसी का अनुपालन करेंगे और पूरे कृतज्ञता के साथ जो भी शासन के गाइडलाइन उसका पालन हम करके वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अर्चना मौर्य सर, हम पहले डिस्टेंस बना के खड़े हुए थे, उसके बाद से हम लोग अंदर आए, वहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो वेरिफिकेशन हुआ है, वेरिफिकेशन के बाद हम आए हैं टीकाकरण जहाँ वैक्सीनेशन लगना है। वहाँ पर आने के बाद हाथ सैनिटाइज हुआ है, हाथ सैनिटाइज करने के बाद वो हमसे हमारी बीमारियों के बारे में पूछी हैं कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है आपको, जैसे एलर्जी अस्थमा या ऐसी कोई पुरानी बीमारी हो, तो हमने बताया कि नहीं है। उसके बाद से हमको टीका लगाया गया है। टीका लगाने के बाद अभी हमको आधा घंटा के लिए अजर्वेशन में रखा गया है। इसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है उसके लिए भी आपको कुछ? जी, हमको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पे हम संपर्क कर सकते हैं कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो। सर आज 51 अस्पतालों पे और 84 सेंटरों पर ड्राई रन चल रहा है। 16 जनवरी से टीकाकरण लगना स्टार्ट होगा, इसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ? हमारी पूरी तैयारी पूरी हो गई है, जो इसीलिए तो हम इसको ड्राई रन चला रहे हैं कि अगर हमारी कोई कमी है तो उसको हम दूर कर सकें। और हमने पाया कि हमने इंस्पेक्शन करके पाया कि हमारी पूरी तैयारी है और आज भी अगर वैक्सीन लगने की बात होती है तो हम बिल्कुल तैयार हैं, लगा सकते हैं। सर टीकाकरण क्या प्रक्रिया है पूरी? आप टीकाकरण पहले तो बेनिफिशरीज को लोड किया गया है, उनके नाम दर्ज किए गए हैं और उनके फिर उनका टीकाकरण डे का उनके मोबाइल पर एक SMS आता है कि आज के दिन आपका यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पर टीकाकरण होना है। फिर उस पर जब वो बेनिफिशरी आता है तो वहाँ उसका वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद उसको वेटिंग एरिया में बैठाकर नंबर वाइज उसका टीकाकरण होता है। हम लोग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे, वैसे आप देखेंगे सेकेंड ड्राई रन चल रहा था आज गोरखपुर में, 84 जगह हम लोग तैयारी कर रखा है और फर्स्ट फेज से संभवतः हम उम्मीद करेंगे 16 तारीख से संभवतः शुरू होने जा रही है,
फर्स्ट फेज में हमारा जो खासतौर पे जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, स्वास्थ्य में संबंधित वर्कर्स है, सभी को टीका लगेगा। यहाँ तकरीबन 22,000 लोग फर्स्ट फेज में कवर होंगे। उसके बाद सेकेंड फेज कवर होगा, उस पर जो खासतौर पर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स कहला जाता है, जो सफाई कर्मचारी से लेके एडमिनिस्ट्रेटर से लेके पुलिस से लेके, उन लोगों को कवर करेंगे। थर्ड फेज में उन लोगों को कवर करेंगे किसका 50 साल को ऊपर उम्र हो, को मॉर्बिड कंडीशन जो किसी बीमारी से ग्रस्त हो उन लोगों का, और तमाम गलत फहमियाँ भी है जो इन लोगों का मन में, उसी का भी दूर कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है जो भारत सरकार ने जो परमिशन किए हैं, उसको बहुत सारे देश ने सराहना भी किया है। आप देख ही रहे हैं वैसे ही केस कम होते जा रही है। इसके साथ साथ हम तो वैक्सीनेशन कवर करके जो हमारा फर्स्ट लाइन फ्रंट लाइन वर्कर के कवर करेंगे, ये जो बिल्कुल इसी बीमारी को हम लोग इसी साल मिटा सकते हैं, उसी उम्मीद के साथ इस साल हम शुरू कर रहे हैं। आज ड्राई रन हुआ है, अच्छा से हुआ है, उम्मीद करेंगे 16 तारीख से हम अच्छा से टीकाकरण का अभियान भी शुरू कराएंगे। कितनी बूथों पर होगा सर? 20 बूथ में होगा, 20 बूथ में होगा। आज तो ड्राई रन, तो टोटल तो हम लोग ड्राई रन 84 के लिए कर रखा है। फर्स्ट 16 तारीख को तो 20 बूथ से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट फेज अपने कितने राउंड में कंप्लीट हो जाएगा सर मोटा? फर्स्ट फेज पर डे 2000 के हिसाब से होते हैं, मान लीजिए 22,000 हम आपको बताया था, फिर मोटा मोटा आपको तो फिर 10 दिन 12 दिन से कंप्लीट हो जाएगा, और फिलहाल सप्ताह में एक दिन दो दिन ही शुरुआत होगा उसको, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग उसे स्केल अप करेंगे। पर डे सर मतलब लाइन लगना है? पर डे 2000 के हिसाब से ले जा रहे हैं हम लोग पर डे 16 तारीख से। सर जो होना है एक सेंटर में 100 लोग का लगाया जाएगा, उनको पहले ही मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। ये जो कोविन एक सॉफ्टवेयर है, उसी के अंदर उनका फीड करके पूरा डिटेल हम लोग ले चुके हैं पहले से, 2 महीने पहले एक्सेस हो गया। उन लोगों का समय जगह वो पूरा डिटेल हम मैसेज के जरिए से इन्फॉर्म करेंगे। उनका जो कुछ डिटेल लेके आना होगा पहचान के लिए, खासतौर पर उनका आधार कार्ड और फोटो आईडी का जो भी है, मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस है और इलेक्शन वोटर कार्ड है, बैंक का पासबुक, कोई डिटेल ले आ करके आपने, ताकि वो आधार सर जो है हमेशा की मतलब वो आधार से लिंक हो रहा है डेटा एक तरफ आधार, ताकि 28 दिन के बाद फिर दूसरा डोसेज भी लगना होता है। इसलिए मान लीजिए कहीं आदमी तो इस पे ये भी निर्देश है, जो वैक्सीनेशन दो वैक्सीनेशन फिलहाल आने के लिए खबर मिल रहा है, एक तो कोविशील्ड है या कोवैक्स करके है, दो है, एंड उसी कंपनी के ही दोबारा डोसेज लगाने के लिए निर्देश है। इसलिए जो मान लीजिए एक आदमी कोई किसी को कोविशील्ड लगा है, 28 दिन के बाद दोबारा कोविशील्ड ही लगेगा। वो यदि आधार मिल जाएगा हम लोग को ट्रेस करना आसानी रहेगा। मान लीजिए 28 दिन में वो आदमी कहीं दूसरे जगह भी चले जाता है, वो डेटाबेस में रहेगा। मान लीजिए यहाँ से मुंबई चले जाएगा, उसी आधार पर वो मुंबई में भी दूसरे डोसेज लगा सकता है। ये थोड़ा अंदाज बता रहा हूँ। कब तक सर वैक्सीन आ जाएगी जिले में? उम्मीद है अभी तो आजकल आने के लिए है, हम पूरा स्टोरेज इरेज तैयार कर रखा है, 22 जगह हम स्टोरेज की व्यवस्था कर रखा है, आजकल कभी भी आ सकता है, हम पूरा तैयारी के साथ। फिलहाल शुरुआत सप्ताह में 2 दिन लगेगा, हम लोग 16 तारीख से।